दिल्ली की सड़कों के, दिल्ली के ट्रैफिक के, दिल्ली के पोल्यूशन की जब भी बात होती है तो हमेशा होता है कि कौन सी वो सड़कें निर्मित हो सकती हैं जो इन सारी चीज़ों से हमें निजात दिलाएं। और आज अशोक सिंघल और मैं इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपके हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ी के बारे में भी जानना चाहती हूँ। बड़ा थोड़ा सा राजनीतिक भी हो जाता है, तेजस्वी भी सवार हुए जब अशोक जी वहाँ पर साथ में थे ही, तो ये जो गाड़ी है ये क्या भविष्य की गाड़ी है या आज की गाड़ी है? ये गाड़ी का नाम है मिराई जी। मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। मिराई जापानी वर्ड है और आगे पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और ये गाड़ी चलेगी और ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। मेरा विश्वास है कि आने वाले 8-10 साल में हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। नितिन जी, हम चाहते हैं कि हम यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पर आगे तक जाएं। देश में कई सड़कें ऐसी हैं जो आपको बहुत इंटरनेशनल फील देती हैं, तो ये भी उन सड़कों में से एक है। हमने एक चक्कर मारा है, लेकिन अब नितिन जी के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि इसके लिए कहा जा रहा है कि आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। क्यों है वो हम समझते हैं अपनी आज तक की इस बस में सवार होकर। ये द्वारका एक्सप्रेसवे और इस पर आज तक एक्सप्रेस। सर, क्या क्या खास है इसमें, क्यों इसको हम एक मार्वल? ये 20 साल पहले प्लानिंग में था और दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में काफ़ी लैंड एक्वायर करने दी, ये पूरी लैंड बंद पड़ी थी और 20 साल से कुछ नहीं हुआ था। बाद में जो UR2 जो है, जो आगे पानीपत वाले रोड को मिलता है, वो भी दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में था। पर बाद में एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में मुझे कहा कि ये 30 किलोमीटर का है, तो मुझे लगा ये 300-400 करोड़ का होगा। मैंने हाँ कह दिया और जब देखा तो इसमें काफ़ी बड़ी बातें आई। ये हाईवे जो है, इसमें 5 चीज़ें ऐसी है जो भारत में पहली बार हुई है। ये सिंगल पियर पर, यानी एक ही पियर पर 8-लेन रोड बना हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये भारत का पहला 4-स्तरीय इंटरचेंज, दो जगह पर है, 4-स्तरीय, 1, 2, 3, 4। दूसरा 3-स्तरीय इंटरचेंज है 9 जगह पर और ये 3.6 किलोमीटर 8-लेन लंबी टनल है इसके अंदर में। बाद में हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए T3 को डायरेक्ट 2.4 किलोमीटर की 6-लेन सुरंग बन रही है और प्रमुख इंटरचेंजों पर एलिवेटेड सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी ऊपर है और अतिरिक्त 6-लेन सर्विस रोड और बनाया गया है। ये आइडिया कहाँ से आया, क्या किसी देश में ऐसा आपने देखा या जो आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज के लिए आप जाने जाते हैं कि जो कहीं नहीं होता वो आप नई चीज़ लेके आते हैं, कॉन्सेप्ट नया होता है, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा बनाना है, 14 लेन, एलिवेटेड रोड, टनल्स? ये जो ढोलाकुआ से गुड़गांव का रोड है, इसके ट्रैफिक जाम में मैं अनेक बार फंसा हूँ। एक बार आपने भी न्यूज़ की थी, तब मैंने तय किया कि इसका 2.5 लाख मिसयूज है। अब क्या होगा, जो पंजाब हरियाणा काश्मीर उत्तराखंड हिमाचल जो लोग एयरपोर्ट आते हैं, अब वो सीधे आएंगे तो ढोलाकुआ से गुड़गांव का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ये जो पूरे रोड पे जो ट्रैफिक जाम है ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ जाएंगे, यानी आप पंजाब से निकलेंगे, पानीपत में आएंगे और UR2 से आएंगे, यहाँ से सीधा ये जो जा रहा है ये सोना जाएगा और सोना से डायरेक्ट मुंबई जाएगा, जयपुर जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ से सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा जाएंगे और सूरत से डायरेक्ट चेन्नई, कन्याकुमारी तक ऐसे हाईवे से जाएंगे। अच्छा नितिन जी, हमेशा सब मजाक करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वही करती हैं, ये आम आदमी पार्टी आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है क्या, एक रिपोर्ट के आधार पर उनको इस खासकर एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी आई जो कि सरकार भी आपकी है, तो वो कह रहे हैं क्या की रिपोर्ट आई जो सीधे सीधे उंगली उठा रही है मंत्रालय? नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। देखिए, ये टोटल हाईवे है 563 किलोमीटर लेन और एक्चुअल लेन जो है वो 29 किलोमीटर की है डिस्टेंस। अब इसमें क्या हुआ कि हमने भारतमाला वन में जब हमने हमारा जो एक प्लान था वो सबमिट किया था, उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं थी।
वो प्लान था, तो उसमें हमने 5000 किलोमीटर 91,000 करोड़ लगेंगे ऐसा लिखा था, यानी पर किलोमीटर 2 किलोमीटर बढ़ाएंगे, 2 लेन का 4 लेन करेंगे, तो उसको जो खर्चा आएगा 18.5 करोड़ पर 2 लेन किलोमीटर लगेगा। अब इसमें जो ये बना है, ये किस प्रकार के देखो ब्रिजेस कैसे है, ये प्लेन रोड नहीं है। अब इसमें 563 किलोमीटर यानी 281.5 किलोमीटर सिंगल लेन है, और इसका खर्चा है 9.5, जिसमें टनल है, तो जो 18 करोड़ बोल रहे हैं वही 9.5 करोड़ हमारा पर किलोमीटर आया, तो यहाँ क्या गड़बड़ हुई? मतलब आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला किलोमीटर के हिसाब से है, हाँ, लेकिन दरअसल जो ऐड हुआ था भारतमाला में वो 91,000 करोड़ और 5000 किलोमीटर, और वही सीएजी ने आधार लिया था कि 18 करोड़, तो हमारा 9.5 किलोमीटर पर लेना है, सीएजी ने 9 करोड़ का, तो आज इतनी लेन बनी है। देखो कैसे स्ट्रक्चर से, आपने कहीं देखे क्या ये तो भी बताइए, ये रोड देखो ये कैसा है, ये सब एक एक ब्रिज है, उसके ऊपर दूसरा ब्रिज है, अब ये सब इससे अच्छा। इसके साथ दोनों बाजू में हरियाणा में जाने वाले जितने रोड है वो भी हमने बड़े बना दिए, उसको हमने छोड़ा नहीं है, और अंदर से रास्ता है, कुछ जगह अंडरग्राउंड है, तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, इसका डिज़ाइन बहुत अलग है। कब खुल जाएगा नितिन जी एक बार? ये हम लोग 1-3 महीने में पूरा करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब दिल्ली के लोगों को, आसपास के लोगों को, बाहर जाने वाले लोगों के लिए? देखो अभी उद्घाटन नहीं हुआ तो कितनी गाड़ियां दिख रही देखो, और जब ये पूरा हो जाएगा तो लाखों गाड़ियां जाएगी, तो जो मेन रोड जो है धोलाकुआ टू गुड़गांव अप टू मानेसर, इसका काफी ट्रैफिक कम होगा, नई कनेक्टिविटी दिल्ली को मिलेगी, ये दिल्ली के लिए एक नया प्रकार से लाइफ लाइन है ऐसा कहूंगा तो मैं। दूसरी बात, ये दिल्ली पूरी यहाँ डेवलप हो रही है, आप ये रोड बनने के पहले यहाँ आते तो ये पूरे काम बंद पड़े थे, यहाँ के बिल्डरों का दिवाला निकल चुका था, अब ये करोड़पति बन गए, रेट बढ़ गए, और यहाँ कम से कम 5 लाख लोगों की नई बस्ती प्लान डेवलपमेंट हो रही है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। नितिन जी, 26 ऐसे रोड जिन पे प्लेन उतर सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, ग्रीन एक्सप्रेसवे, आखिर कहाँ रुकेगा आपका सिलसिला ये? क्या और भी कुछ प्लान आपके दिमाग में? नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो मुझे लगता है कि ये सपना पूरा करने के लिए हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। अभी देखो ये बीच वाली जगह है, इसमें लैंडस्केपिंग करेंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, और जब ये पूरा होगा तो बहुत सुंदर होगा। वो देखो टनल अंदर है, लाइट गाड़ियाँ दिख रही, उसके अंदर में टनल है, ये टनल है अंदर में, ये इसी का हिस्सा है? हाँ, इसी का हिस्सा, ये देखो नीचे से गाड़ियाँ जमीन के अंदर से जा रही है, तो सर कुछ कुछ हिस्से इसके खुल गए हैं और जो हाँ हमने जैसा जैसा वह लोगों को अनुमति दे दी है, यहाँ इंटरनेशनल फीता काटने का इंतजार नहीं हो रहा है। देखो लोगों की तकलीफ कम हो रही ना, तो हम अभी ये एक ब्रिज है उसके ऊपर दूसरा ब्रिज है, वो नीचे में टनल बनी है, बीच के स्क्वायर्स को भी लैंडस्केपिंग वगैरह करेंगे, ये पावर लाइन हमको शिफ्ट करनी पड़ी, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, पर ये अपने आप में बहुत अलग डिजाइन। ये वाला जो हिस्सा खास कर हम देख रहे हैं, आमतौर पर सिंगापुर जैसे देशों में आपको दिखेगा कि एक रोड उसके ऊपर दूसरी रोड, तीसरी रोड, देखो ना वहाँ ब्रिज है उसके ऊपर ब्रिज है, यहाँ ये ब्रिज है नीचे में रोड है उसके नीचे में टनल है, और यहाँ ये नया ब्रिज ऊपर के बीच, ये चौथा लेयर बन गया। अच्छा, देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेट्रो की लाइन जा रही है ऊपर। नहीं नहीं, ये सब इसका ही है। अभी हम यहाँ पर आगे रुकेंगे और रुक कर हम सारा वो हिस्सा इसका देखते हैं। अभी लैंडस्केपिंग होगा, पेड़ लगेंगे, हम और हमने सोलर है, सोलर भी लगा, पर सबसे बड़ी बात है ये करने के लिए हमने 13,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, हमने काटे नहीं, इसका क्लियरेंस भी पता चल जाता है जब हम इसके नीचे से निकलते हैं, तो इसके नीचे से निकलते हुए आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि यहाँ तो ट्रक्स वगैरह सब चलेंगे, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अब तो सुना कि बिहार के लिए भी आप एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। काफ़ी हम देश में 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आप समझ लीजिए कि दिल्ली मुंबई अगर हम ग्रीन नहीं बनाते तो दिल्ली अहमदाबाद मुंबई जाते तो दोनों साइड में बिल्डिंग हमको एक्वायर करनी पड़ती, घर एक्वायर करने पड़ते, तो वो कॉस्ट तो कहीं के कहीं चली जाती। अब हमने ग्रीन जगह ली, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं थी, तो हमको जगह सस्ती मिली इसलिए कॉस्ट कम हुई, आज उसकी कीमत 1 लाख करोड़ है जब हमने ग्रीन बनाया, अगर ग्रीन नहीं बनाते तो कॉस्ट 2 लाख करोड़ हो जाती। विनायक राउत कह रहे थे कि आपकी अपनी पार्टी को आपसे प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या की वो रिपोर्ट लाएगी।
नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो जो सीएजी का रिपोर्ट है उनको हमारे तरफ से एक छोटी गलती हुई कि जब ये सब ऑब्जेक्शन ने उठाए थे तो उनके साथ मीटिंग हुई, हमारे लोगों ने उनको बताया वो समझ गया ऐसा, तो हमारे लोगों से गलती हुई कि उन्होंने रिटर्न में रिप्लाई जो था वो सबमिट नहीं किया, अभी उनको हमने किया है। और कोई भी देखेंगे ये टू लेन पेव शोल्डर, फोर लेन रोड और ये, इसमें कितना फर्क है आप देख रही है। अब देखो उधर ब्रिज है, इधर ब्रिज है, और ये जो ब्रिज से आप चल रहे हैं ये सिंगल पियर पर है, एट लेन रोड एक सिंगल पियर पर है। ये चमत्कार है, आपने दिल्ली देश में आठ लेन का रोड देखा है कभी एक पिलर पर? लेकिन नितिन जी सड़कों में तो आपने बड़ी सफलता हासिल की, एक के बाद एक रिकॉर्ड है आपके, लेकिन जो सड़क दुर्घटना है उसमें क्यों नहीं आपको सक्सेस मिल पाई? आप बार बार कहते हैं कि मेरे एक कमी है, मेरा एरिया जो ऐसा एक एरिया है जिसमें मेरे को सफलता नहीं मिल पाई, बहुत कोशिश की, आखिर क्या होगा उसका? देखिए रोड इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों में सुधार हो गया, इमरजेंसी में अब हेलीपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, पर ह्यूमन बिहेवियर कि मैं मोबाइल रखकर बात नहीं करूँगा, हेलमेट पहनूँगा, रूल्स ऑफ द रोड है कि रेड सिग्नल लगाए तो रुक जाऊँगा, जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा और ये जो माइंड है लोगों का वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा ऑटोमोबाइल, आपने सड़कों में बहुत काम किया पूरे देश में, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात अगर की जा रही थी जी, आपने जापान को पीछे छोड़ा, तीसरे नंबर पे है और आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में नंबर वन पे आ पाएंगे। हाइड्रोजन की गाड़ियाँ, इथेनॉल की गाड़ी आपने लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत तरह के सवाल उठते थे, आगे अब क्या प्लान है आपका इसको लेकर? हम केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी की बात कर रहे हैं। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया, चार दिन पहले मैंने 100% इथेनॉल की गाड़ी लॉन्च की। तो ये जो बदलाव होगा इससे प्रदूषण भी कम होगा, नए रोजगार भी निर्माण होंगे और देश की तरक्की होगी, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देती है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है, और ये जब 20 लाख करोड़ की होगी तो 10 करोड़ लोगों को जॉब देगी, तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा फायदा। तो अगर जैसे आम इंसान खरीदना चाहता है, अगर हम लोग खरीदना चाहते हैं कि इथेनॉल वाली गाड़ी खरीद लें, तो उसमें समय लगेगा? अभी उन्होंने इनोवा गाड़ी जो थी टोयोटो की वो लॉन्च हो गई, अभी टीवीएस और बजाज और हीरो की टू व्हीलर्स भी तैयार होगी, ऑटो रिक्शा भी तैयार होगी, अब इथेनॉल के पंप तैयार करने हैं, और मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध किया कि इथेनॉल के पंप शुरू हो जाए, और अभी इंडियन ऑयल को भी रिक्वेस्ट की थी वैद्य साहब को, वो भी अपने पंप खोल रहे हैं, अब पंप खुलेंगे तो गाड़ी आएगी। मोटे तौर पर अनुमान, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी समय मुझे याद है मैंने पूछा था, आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आए हैं यहाँ पर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं अपने जीवन काल में। आपने मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, तो मैं अभी पूछता हूँ किसी को कि किसी की गाड़ी बंद हुई? एक भी नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक की दिल्ली में 5 साल के अंदर सब बसेज इलेक्ट्रिक की होगी, सब शहरों में अभी 10,000 बसेज भारत सरकार ले रही है, आने वाले समय में 5 लाख बसेज देश में इलेक्ट्रिक की होगी। अभी मैं 16 तारीख को नागपुर में एक इलेक्ट्रिक बस डबल डेकर लॉन्च कर रहा हूँ, और वो बस से दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को घुमाने के लिए उसका प्रयोग है। नितिन जी आप अक्सर की बात कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को इस देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं, तो ये कोई ये सपना जो है कभी पूरा होगा? क्या समय लगेगा या देखिए ये बहुत कठिन है, ये मेरा उद्दिष्ट है। 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल और गैस, ये फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट होता है, इतने आसानी से ये नहीं जाएगा, और ये कठिन काम है, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदल रही है दुनिया। प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और इस देश का किसान ऊर्जा तैयार करेगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, इथेनॉल तैयार करेगा, अभी राइस से, कॉर्न से, मोलाइसिस से, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, तो इथेनॉल की इकोनॉमी आ गई। हमारे यहाँ इथेनॉल की बस चलती है नागपुर में, स्कैनिया की चलती थी, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा, समय लगेगा, पर ये समुंदर है, हम इलेक्ट्रिक लाए इतना कुछ करें तो भी डीजल और इसको पेट्रोल को हटाना बहुत कठिन है, पर अब जैसे पेट्रोल में 20% इथेनॉल चल रहा है, वैसे डीजल में भी 15% इथेनॉल चलाने के बारे में रिपोर्ट आए हैं, तो धीरे धीरे अब मिथेनॉल आया। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपने जिक्र भी किया। हाँ ये अभी बेंगलोर में हमने जो बसेस थी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो 15% कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो डाल के सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। अब अशोक लेलैंड मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च कर रहे हैं, आसाम में आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है,
दीपक फर्टिलाइजर RCF मुंबई में वो मिथेनॉल बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ मिथेनॉल बनेगा वो मिथेनॉल आएगा। परली से, अब परली से जलती नहीं हरियाणा की, परली से इथेनॉल बन रहा है पानीपत में इंडियन ऑयल, और वहाँ से बायो बिटुमिन बन रहा है 150 टन पर डे, अब उससे एविएशन फ्यूल बन रहा है और हवाई जहाज चलेंगे। अभी 2% उससे हवाई जहाज सब एयर का हमारी हवाई जहाज कंपनियां वो खरीदी करेगी फ्यूल। इस बार पराली की दिक्कत नहीं होगी दिल्ली को या? देखो हरियाणा की तो पराली, आप कभी पूछो वहाँ, अब पराली जलाना बंद हो गया। और ये टोल का क्या होगा, बड़ा सरकार रेवेन्यू ले रही है उससे? देखिए मैं इतना काम क्यों कर सका, इफ़ यू वॉन्ट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। इसमें बचत है ना, देखो एक ट्रक दिल्ली मुंबई जाने के लिए 49 आवर्स लगते थे, वो ट्रक अब 22 घंटे में जाएगा, 20 घंटे में जाएगा, तो आधा डीजल कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ट्रिप जो है महीने में 4 मार रहा था 9 मारेगा, तो बचत नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा ना। तो ये हमने लोगों से पैसा खड़ा किया, बहुत कर्जा खड़ा किया, बैंकों से पैसे लिए, वापस भी करने पड़ेंगे ना। सरकार का भी बजट है और उससे सरकार के बजट के सपोर्ट में हमको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ा करना पड़ेगा। नितिन जी, अक्सर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। हाँ, मैं आपको, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी गाड़ी। आप अच्छा होगा ये प्रश्न पूछा, मैं ये रोड को इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। अच्छा। ये जो UR2 है ना, पानीपत से आते हुए दिल्ली का पेरी रोड, ये रोड साथ शुरू होता ना, वहाँ से इलेक्ट्रिक केबल लगेगी और इसकी 2 बसेज 3 बसेज जोड़कर डायरेक्ट जयपुर जाएगी, और उसका रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। 2-3 बसेस जुड़ी हुई, अच्छा मतलब ट्रॉली बस, ट्रेन। हाँ, और वो रेलवे जैसा लगेगा ऊपर, और मैं जल्दी चालू कर रहा हूँ, वो हो जाएगा तो कॉस्ट एकदम 30% टिकट सस्ता होगा, और बिजनेस क्लास में लैपटॉप देखते हुए आप ऐसे आराम से, क्लास भी होगा उसमें, बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। अच्छा, पूरा का पूरा बिजनेस क्लास जैसा है, कंफर्टेबल सीट, तो कोई जाएगा नहीं गाड़ी से, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा। नितिन जी, ये वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये भी टनल नुमा ही है या थोड़ा सा उसका? ये अंदर टनल है, वो जो है वो अंदर टनल है, और ये जो रोड अभी आगे जा रहा है तो यहाँ उतरने के लिए बना हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे के ही एक ऐसे हिस्से में हम पहुँचे हैं जो अपने आप में भारत में बहुत सारे मायनों में सबसे पहला होने वाला है। ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पहाड़ नहीं है ये, टनल खोद के बनाई है। अच्छा। इसके ऊपर पे भी 8 लेन रोड है, नीचे 8 लेन रोड है। हाँ। और 2-2 लेन 4 लेन सर्विस रोड है। हाँ। 8 और 8 16 और 4 20 लेन हो गया। और ये टनल अब एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप जो है, दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरते हैं, हाँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके नीचे से जाके T3 को पहुंचेगी। तो पंजाब हरियाणा आने वाले लोग जो है, उत्तराखंड हिमाचल उधर के, वो डायरेक्ट UR2 से पानीपत के बाद पलट कर आएंगे तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में बस। हाँ, और यहाँ से वसंत विहार में टनल जाएगी शिवमूर्ति से आगे, तो डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी। तो ये जो हमारा धौला कुआं से आने वाला जो गुड़गांव का रोड है, इसका ट्रैफिक 50% कम हो जाएगा। और ये अभी जो 2 घंटे लगते थे जो पानीपत वाले रोड से वहाँ से जाना, वो 20 मिनट में हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा शालो टनल, ये शालो टनल पहली बार इतना हुआ है, इतना बड़ा ये अभी तक नहीं हुआ है। चैलेंजिंग टास्क था। और ये देखो, ये पूरे कंक्रीट के पिलर है, इसके ऊपर कंक्रीट, इसके ऊपर पूरा उतना ही बड़ा रोड है, इतना ही बड़ा, और उसको इधर 2 लेन और इधर 4 लेन, 2000 सर्विस रोड है। तो जो हम बात कर रहे अभी, इसके बाद नीचे जाओगे तो एयर स्ट्रिप है, एयर ऊपर हवाई जहाज उतरेगा और नीचे से लोग जाएंगे ऐसा। तो जो कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे, ये भी उसी में जुड़ेगा, बिल्कुल है, केवल ऊपर वाला नहीं है बल्कि इसके नीचे सब सब। यही तो है कि ये 28 किलोमीटर की लेंथ है, और जो उन्होंने कहा था कि 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर के लिए, 18 करोड़ 2 लेन पे शोल्डर को और 2 का 4 लेन करने के लिए खर्चा आता था, ये तो कितना बड़ा है, तो ये पर लेन खर्चा 9.5 करोड़ आता है और उन्होंने 9 करोड़ निकाला है। फिर भी इसमें टनल है, ब्रिजेस है, उसमें टनल ब्रिजेस की कॉस्ट नहीं जोड़ी गई थी, तो सस्ता ही किया। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के 4 टेंडर पर 12% बिलो जाके लोगों ने काम लिया है, यानी 12% एस्टिमेट कॉस्ट से पैसा बचाया हमने। अच्छा। और एक एक टेंडर में 8-8, 10-10, 15-15 लोगों ने कॉम्पीट किया, कॉम्पिटिशन होने के बाद टेंडर दिया है, और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम कर रही है। चलिए वापस ऊपर निकल। नितिन जी, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी, 2024 के चुनाव में चर्चा ना करें तो ये हो नहीं सकता है पत्रकारों के लिए। दिल्ली में है और दिल्ली की आबोहवा तो राजनीति, बिल्कुल राजनीति है, तो क्या लगता है कि 2024 का रास्ता जो है आपके इन्हीं रास्तों से होकर गुजरेगा? देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज़ द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो युवा लोग हैं, वो चाहे कोई भी जात पंथ धर्म भाषा के, वो विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं। और पिछले 60 साल में
कांग्रेस पार्टी जो नहीं कर सकी वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया, और मुझे लगता है कि यही हमारी बड़ी अचीवमेंट है। ये जैसा बना एक पुणे में चांदनी चौक बना है ऐसा ही बहुत सुंदर बना, तो वो वहाँ के लोग इतने SMS और इतना सोशल मीडिया पे चित्र डाल रहे उसके, तो हर जगह पर ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये विकास काम जो हमारी सरकार ने किए हैं उसके कारण जनता हमें अच्छा समर्थन देगी। जब हम इकोनॉमी के बड़े होने की बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना सबसे ज़्यादा अहम होता है, सड़कों के साथ साथ, क्योंकि आपके मन में जो एक मैं कैसे कहूँ आर्थिक दिमाग जो अर्थव्यवस्था को समझने वाला है संतुष्ट है भारत जिस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। देखिए एयरपोर्ट दुगने हो गए, 100-125 एयरपोर्ट बढ़ गए, रेलवे में ये बड़ी अच्छी ट्रेन शुरू हो गई वंदे भारत। अब मुझे बताइए कि वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार चीज़ें जहाँ होती है वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है, और जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है, और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ ग्रोथ बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। तो विकास का मार्ग तो ये, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी दिल्ली से मुंबई अगर समय बचेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज 16% है वो 9% पर आएगी, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। तो अभी ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपके अभी पेंडिंग है नितिन जी जिसको आप नहीं कर पाए, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां आपको लगता है कि ये बस ये करना कमी रहेगी? ये तो मैंने यहां भी मंत्री होने के पहले मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मुंबई का बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया, और ये मुझे बहुत अच्छा मौका मोदी जी ने दिया, ये भी काम मैं कर रहा हूँ। ये मैंने उनसे मांग के लिया था कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिलेगी तो मैं काम करूँगा, पर मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम ये हुआ कि जब मैं मंत्री बना तो 1.5 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, कुछ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, और आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश में जो बोरा 1 क्विंटल का अपने पीठ पर रखते थे अब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार चलाते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से उनको मुक्ति मिली और आज वो उनका शोषण खत्म हुआ, अब ई रिक्शा आया, ई कार आई, मेरे लाइफ का गरीब आदमी को उससे मुक्ति मिली। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की कल्पना थी वो मेरे लिए दैट इज़ टू बी ए ग्रेट अचीवमेंट इन माई लाइफ, मैं उसको सबसे बड़ी मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट हैं आप, आपकी पार्टी भी कहती है देशभक्ति की बात, लेकिन नाम तो सामने वाली अलायंस ने अपना इंडिया रख लिया है, वो कहते हैं आप लोग बहुत डर गए हैं इसके बाद। जो मार्केट में जिस कंपनी का दुकान का दिवाला पिटता है तो वो बोर्ड बदल देते हैं, नया बोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि पुराना अकाउंट जब NPA होता है तो लोन नहीं मिलता, तो नया बोर्ड लगाते, इतना ही हुआ, बाकी लोग वही है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको, कुछ नहीं होगा। हमने जो काम किया है लोगों में अलग अलग क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं उन सब के बदौलत मेरा विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार को फिर से चुनते हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक और चीज़ हो रही है, क्या वो सनातन धर्म को लेके जो अभी टिप्पणी आई है? मुझे लगता है कि जो लोगों को धर्म ही पता नहीं है, सनातन धर्म ही पता नहीं है, धर्म का संबंध है कर्तव्यों के साथ। आप पत्रकार हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मुझे लगता है जो बेचारे नहीं समझ पाते सनातन धर्म को ऐसी बात कर रहे हैं। सनातन धर्म हमारे इतिहास संस्कृति से जुड़ा हुआ है, खैर जो नहीं समझ पाते वो ऐसा बोलते हैं। धीरे धीरे समझ जाए, आपके हिसाब से आप क्या समझाएं? भारतीय संस्कृति इतिहास और विरासत के आधार पर जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति परिवार पद्धति है, और जो आदर्श हमको हमारे रामायण महाभारत सनातन इतिहास से मिले हुए हैं उसका अनुकरण करने वाले, उसका कर्तव्य के रूप में अनुकरण करने वाले जो लोग हैं वो हमारे इस विचार पद्धति को, हमारी इस प्रकार की जो हम काम कर रहे हैं उस पद्धति को, वो जो एक जीवन पद्धति मानते हैं, ये सनातन धर्म का पालन करते हैं, ये उसका अर्थ है। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों से और सभी राजनेताओं से आपके अच्छे संबंध रहते हैं, तो मतलब दो हिस्से होने के बाद भी आपके अच्छे संबंध हैं? मेरे सबसे अच्छे संबंध, आप मुझे बताइए किससे नहीं है। मैं RSS का हूँ, स्वयंसेवक हूँ, BJP का कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी विचारधारा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, पर मैं मानता हूँ कि मैं कोई पार्टी का मंत्री नहीं हूँ, देश का मंत्री हूँ। मेरे पास कोई भी पार्टी का मंत्री आता है, कोई आता है, तो मैं देखता हूँ उसके काम को सुलझाने की कोशिश करता हूँ,
आपकी मदद करता हूँ, एक आधा काम नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ। अब देखो ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी, इसमें कितने रोजगार क्रिएट हुए, कितने आर्किटेक्ट को काम मिला, कितने इंजीनियर को मिला, कितना स्टील लगा, कितना सीमेंट लगा, ये पूरी टाउनशिप डेवलप हो रही, 5 लाख लोगों की नई बस्ती हो रही पूरी डेवलप इसके बाद। चलिए, हमेशा कहते हैं कि रास्ते नहीं होंगे तो कोई जुड़ेगा कैसे। अब उन्हीं रास्तों में चलते हुए 2024 का भी एक रास्ता है या नहीं है बीजेपी के लिए, ये उन लोगों को भी तय करना है जो अभी तो शायद सड़क की उस ओर चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें इस सड़क का भी, और वो एहसास भी उन्हें मिल रहा है कि इस सड़क से उन्हें क्या मिल सकता है, क्या हासिल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, थैंक यू हमारे साथ आने के लिए यहाँ पर। अशोक सिंघल, और मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नितिन गडकरी के इस इंटरव्यू के बाद बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी के तर्कश में हर वो तीर था।